अगला सवाल आपके कैरियर को लेके था मेरा। मैं आपसे ये जानना चाहता था, मेरे कई दोस्त हैं वो भी ये जानना चाहते हैं कि 2007 से 2013 तक आप बहुत आपने जो है प्रसिद्धि पाई, आपको बहुत अवार्ड मिले। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मतलब उस टाइम आपके पास ऐसा नहीं था कि आप एक एंकर भी अच्छी नहीं थी, आप एंकर भी बहुत अच्छी थी, आप किसी बड़े न्यूज़ चैनल में जा सकती थी, उस समय आपके लिए ऐसा भी नहीं था कि भाई स्पेस खाली नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो आपने कैसे मतलब आप फिर यूट्यूब पे आ गए, जिंदगी में रिचा करने लगे, आपके पास बहुत मौके बन सकते थे आपके लिए, आप एक अच्छे पद पर भी जा सकती थी, तो टीवी में आपने एकदम छोड़ दिया, यूट्यूब पर आप जिंदगी में रिचा स्टार्ट कर दिया, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? अभी तो एक लंबा कैरियर बाकी था। एक्चुअली इसमें बहुत सारी चीजें हैं। देखिए 2007 में जिंदगी लाइफ शुरू हुआ और 9 या 10 तक तो मैंने न्यूज और जिंदगी लाइफ दोनों के पैरेलल किसी तरह मैनेज किए। हाँ, आई थिंक 9 और 10 तक तो किए ही होंगे मैंने। बट धीरे धीरे क्या होने लगा ना आनंद, जिंदगी लाइफ का ना आपके ऊपर भी पर्सनली जो हम लोग काम करते हैं ना टीम पर भी बहुत असर होता था। क्योंकि स्क्रिप्टिंग पूरी मुझे करनी होती थी, मेरी स्क्रिप्ट लिखने वाला कोई और नहीं था, पूरी टीम को मैं मैनेज कर रही थी। और फिर मुझे ऐसा लगा कि और न्यूज उस समय फिर वो चीखना चिल्लाना शुरू होने लगा था जी। तो मैं ना कहीं अब देखिए हम रोबोट तो है नहीं कि दिन भर तो आपने बहुत सेंसिटिव उस पे काम पूरे शो की तैयारी की और रात में आपने 8 बजे जाके बुलेटिन पढ़नी है जो सडनली आप मतलब अजीब सा कुछ है। तो मेरा ना धीरे धीरे वो डिस्कनेक्ट शुरू हुआ न्यूज से, जिंदगी लाइफ करते करते मेरा न्यूज से डिस्कनेक्ट शुरू हो गया था। तो मैंने आईबीएन में रहते रहते भी 2010 के बाद आई डोंट थिंक मैंने बहुत ज्यादा न्यूज पढ़ी है। मतलब बॉसेस गुस्सा भी होते थे कभी कभी कि एक प्राइम टाइम बुलेटिन तो करती रहो, तो कभी कर देती थी। बट मेरा मन उचाट होने लगा था न्यूज से। उसके बाद मुझे 14-15 में आईबीएन वापस बुलाया गया, न्यूज 18। एक साल मैंने वापस, तो मुझे उमेश उपाध्याय जी का फोन आया कि हम चाहते हैं आप ज्वाइन करें। तो मैंने कहा सर क्या जिंदगी लाइफ रिवाइव कर रहे हैं? बोले नहीं न्यूज के लिए। अच्छा मैंने कर तो लिया, लेकिन मैं एक तरह से वो मेरा एक्सपेरिमेंटल ईयर था कि क्या मैं वापस न्यूज करना चाहती हूँ। तो मैंने एक साल पूरे पढ़ी, बट आनंद उस समय तक मुझे समझ में आने लगा कि अब न्यूज में मेरा मन नहीं है। अब जैसी न्यूज हो रही है, मतलब बहुत सारे मुद्दों पर मेरी बहस हो जाती थी डेस्क पर कि हमें क्यों चला रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं। बट अब तो मुझे समझ में आ गया नहीं, नाउ दिस इज नो लॉन्गर माय कॉल। और अब तो मुझसे न्यूज देखी नहीं जाती, आप कह रहे हो किसी चैनल में काम कर लेती हैं। तो मेरी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस इतना ज्यादा हो गया है ना कि मुझे वैसे निकाल देंगे किसी चैनल में जाऊंगी तो। जी। नहीं थोड़ा आपका व्यक्तित्व शायद अब पिछले 6-7 सालों में ऐसा हो गया है कि हितों के टकराव होंगे ही होंगे अगर आप किसी न्यूज चैनल में जाएंगे। हाँ तो कोई फायदा नहीं ना, कोई फायदा नहीं। जो अपने मन का काम करें वो अच्छा है।